राजस्थान का सियासी संग्राम परवान पर है। हर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी जोर आजमाइश जारी है। राजस्थान की सबसे खास सीटों में से एक है जयपुर की हवा महल सीट, जहां से गहलोत के करीबी महेश जोशी को किनारे कर कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के अंदर सियासी हलचल बढ़ा दी है। सीएम गहलोत की लगातार पैरवी के बाद भी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को जयपुर की हवा महल सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत करने की वजह से उन पर गाज गिरी है। दूसरी ओर हवा महल सीट पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आर तिवाड़ी ने नामांकन भर दिया है। हालांकि तब तक कांग्रेस ने हवा महल से कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। वहीं बीजेपी ने इस सीट से बाल मुकुंद आचार्य को टिकट देकर हिंदू कार्ड खेला है। हवा महल के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। यहां से भंवर लाल शर्मा 6 बार विधायक रहे हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बार विधायक रहने का रिकॉर्ड है। भंवर लाल शर्मा 1 बार जनता पार्टी तो बाकी 5 बार बीजेपी के टिकट से चुने गए थे। फिर 2003 के चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र पारीक जीत हासिल की, लेकिन 2008 में कांग्रेस के ब्रजकिशोर शर्मा ने जीत कर बीजेपी का विजय रथ रोका। वहीं 2013 में बीजेपी के सुरेंद्र पारीक फिर जीत हासिल की, लेकिन 2018 में गहलोत के करीबी और कांग्रेस दिग्गज महेश जोशी ने पारीक को शिकस्त दे दी। यानी इस लिहाज से देखें तो पिछले 4 चुनावों के नतीजे देखें तो बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस जीतती आ रही है। ऐसे में इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी माना जा सकता है। इस सीट के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार हवा महल सीट पर कुल 2,48,265 मतदाता हैं, जिनमें से 1,24,311 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 1,07,684 महिला मतदाता हैं। इस इलाके में ब्राह्मण मतदाताओं का वर्चस्व है। हालांकि 90,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स भी हैं, जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये कि इतने मुस्लिम वोटर्स होने के बाद भी इस सीट से अब तक कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया है। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस बार हिंदू, खासकर ब्राह्मण वोटर्स पर नजर बनाए हुए हैं। अब 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि जनता किन मुद्दों को लेकर अपना अगला विधायक चुनने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।